आपने बहुत बार लोगों को कहते सुना होगा कि इनकम टैक्स से चिट्ठी आई है। वेल, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया है। और मैं ये कहूंगी कि नोटिस बुरे नहीं होते हैं अगर आप उन्हें टाइमली कंप्लाई करते हैं, और जब आप टाइमली कंप्लाई करते थे तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। वेल, आज एक ऐसा ही टॉपिक हम लेने जा रहे हैं जिसका नाम है नोटिस अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज नोटिस की बात की जा रही है, और मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट रहती है लोगों से कि नोटिसेस, अगर आपका टैक्स में जरा से भी दिलचस्पी है तो नोटिसेस को बहुत ध्यान से समझें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बट उससे पहले, मैं और मेरी टीम जब भी हम डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या वीडियो बनाई जाए, कैसे पोस्ट की जाए, क्या किया जाए, कौन से टैक्स डाले जाए, तब मेजरली मेरे मन में एक ही बात चल रही होती है कि जिंदगी आबाद हो जाए अगर कोई वीडियो वायरल हो जाए। और इसके लिए मुझे चाहिए आपका सपोर्ट, और सपोर्ट तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तो इससे जिंदगी आबाद भी हो जाएगी और वीडियो वायरल भी हो जाएगी। सो अब बात करते हैं सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 की। सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 सिंपल सी बात ये करता है कि अगर आपने टाइमली रिटर्न फाइल करी है बट आपसे रिटर्न में कुछ गलती हो गई है, तो अब आपके पास नोटिस आएगा सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का, जिसको कंप्लाई करना आपके लिए जरूरी है। सो आपसे असेसिंग ऑफिसर कुछ डेटा मांगेगा। वो कुछ भी डेटा हो सकता है जो असेसिंग ऑफिसर को ठीक लगता है कि उसे चाहिए, और विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, इट मींस जो टाइम आपको मिला है उस डेटा को आपने उस टाइम के अंदर प्रोवाइड करना होगा। और अगर आपसे रिटर्न फाइल होनी रह गई है तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देना होगा कि आपने रिटर्न क्यों नहीं फाइल करी विद ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। एंड हमेशा की तरह डरने वाली कोई बात नहीं है, आपसे बस डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, और डॉक्यूमेंट्स दीजिए, सपोर्ट करिए डिपार्टमेंट का, जिससे कि ना ही उनको कोई प्रॉब्लम आए और ना ही आगे आपको कोई प्रॉब्लम आए। सो पॉइंट आता है कि इससे होगा क्या। अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है, इट मींस अगर असेसिंग ऑफिसर कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती और आपके डॉक्यूमेंट सारे जस्टिफाइड है, तो कोई भी नेगेटिव एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा। बट वहीं अगर आपने इसको कंप्लाई नहीं किया तो आपको देनी होगी पेनल्टी। पेनल्टी है 10,000 रुपीज, और हो सकता है कि अगर जेल हुई तो वो 1 साल तक की होती है, और अगर जेल की नौबत आती है तो वो एक्सटेंड अप टू 1 ईयर हो सकती है विद और विदाउट फाइन। सो इसलिए ध्यान रखें, सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 जैसे ही आपको रिसीव हो कंप्लाई जरूर करें। सेक्शन के थ्रू डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं होती, ना ही कोई रेड हो रही है, ना ही कोई सर्च एंड सीज़र है, ना ही कोई स्क्रूटनी है, सिंपल एक डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं आपसे। इसलिए जितना हो सके डिपार्टमेंट को सपोर्ट करें। एंड ऑल्सो अगर आपकी इस सेक्शन को लेकर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैंने इस वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है, जिससे कि ना ही ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो, आपको भी शॉर्टली तरीके से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी रह भी जाती है तो मुझे आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।